है ना। और ये जितने भी कोशिश करेंगे आंटी जी, मैं हम लोग अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं? इस उम्मीद से कि उनका फ्यूचर उज्जवल होगा, वो चार पैसे कमाएंगे, दो पैसे हमें भेजेंगे, दो पैसे अपने लिए खर्च करेंगे। एक और नई वीडियो के साथ आज आपको एक कहानी दिखाते हैं, जो गया था अमेरिका लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। कोशिश करेंगे आंटी जी, पूरा प्रयास। रोती बिल खिलाती ये माँ और इसके ये आंसू, हम और आप तो इनके ये आंसू समझ ही नहीं पाएंगे, शायद भगवान भी ना समझ पाए। ये माँ हाथ जोड़कर विनती कर रही है, अपने बेटे की तस्वीर दिखा, इसके बेटे को वापस इसके पास पहुंचाया जाए। वो बेटा जिसे छोटी उम्र में कैसे तैसे पैसों का चार जुगाड़ करके अमेरिका भेजा था किसी रास्ते कि वो सेट हो जाएगा, लेकिन ना जाने वो कहीं गायब हो गया। आज ये माँ परेशान है, आखिरी बार बात हुई थी तो चिंतित थी कि उसके बेटे के ही हालात कैसे हैं, उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई। कई बारी कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। हम लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए हर तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन कई बारी ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। जशनप्रीत भी अमेरिका भेजा था पड़ोसियों के विश्वास के सहारे। इस माँ ने अपने बेटे को वहाँ भेजा जहाँ वो भेजना नहीं चाहती थी, अपने से दूर विदेश में। हम लोग सब कुछ कर जाते हैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा चार पैसे कमाए, अच्छे से जिंदगी जिए, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी विदेश जाकर अच्छे से काम कर कर चार पैसों में से दो पैसे घर भेजे और दो पैसे खुद खाएं, जिंदगी अच्छे से चले, अपने माँ बाप को सुख शांति से एक खुशहाल जीवन दे सके, इसलिए मेहनत कर सके। लेकिन कई बारी कुछ ऐसा होता है कि जिसकी उम्मीद नहीं होती। जशनप्रीत की माँ प्रशासन सरकार से अपील कर रही है उसके बेटे का पता लगाया जाए। आखिरली बार उसकी बात तब हुई थी जब वो किन्हीं जंगलों में घूम रहा था जहाँ से उसने अमेरिका जाना था, लेकिन अमेरिका तो वो पहुंचा ही नहीं और ना ही वापस घर आया, जिस कारण ये माँ अब चिंतित है कि आखिर उसका लाल, उसका बेटा कहाँ और किस हालात में है। जंगल कुत्तिया मारिया, जंगल च रह गया, पानी बर्फ बड़ी जमी, लत्तां लुत्तां सुजियां ने, बड़ा मतलब बच्चा का बुरा हाल सी। फिर आप नहीं दसिया सानू, बारो पता लगा, फिर इन्होंने दसिया, दूजे दिन मैं मन्ने नहीं, फिर सानू हुण टाइम महीना हो गया, सानू टाइम दई जांदे ने, जिहड़े विच बंदे ने टाइम लई जांदे ने, सानू लभ के देगा, लभ के देगा, टाइम ले लैंदे ने दसां दसां दिनां दे, पुलिस साडी कारवाई करदी, पर अगों जिहड़ी पंचायती ने उह विच कर दिंदे ने, क्या सी वी सिद्धी फ्लैट होएगी, पर 45 च गल होई सी, 43 च फिर मन्ने सां सी, अगे 43 च एक किला बेचा, फिर दोबारा इन्हें पैसे बताए, फिर बेचिया, एक बेचिया तो एक बेचना कराए, बेचना भरिया रजिस्ट्री होनी है जी एक, ना आ गया फ्लैट तो जाएगा बच्चा,
फिर सीधा कोई दिक्कत नहीं होनी। सानू पता को नहीं दुबई का, सानू पता नहीं क्योंकि सर्दियां जो आ रहा है, बच्चे ने ना धमकाया है डराया है, बच्चे ने दो तीन दिन रोटी भी कोई मिली, फिर बच्चे ने बड़ा शरीर बच्चा अमृत धारी बच्चा सी, मीट नहीं सिखाता कुछ नहीं सिखाता, इन्ना पता नहीं की लालच दे के जंगल चार दिता, सानू नहीं दसिया बच्चे नु भी नहीं दसिया। जो मेन एजेंट हमने तो जिसको पैसे देने थे या हमारी जिससे बात हुई थी वो बलबीर सिंह सन ऑफ चवेक सिंह है, यही इनका पड़ोसी है और ये इन्होंने मतलब बहुत विश्वास से उनके ऊपर जो ये मतलब उनको दे दिया था कि जो भी अपने बच्चे को भेजने का उसने लिया था, अभी हमें आपके बच्चे को एक नंबर पे फ्लाइट के द्वारा वहाँ तक मैक्सिको तक भेजूंगा। तो लेकिन उसने क्या है अपने पैसे बचाने के चक्कर में या फिर ज़्यादा मतलब पैसे कमाने के चक्कर में उसने इनसे धोखा किया और जो बीच में जो फ्लाइट का जो रास्ता था उसको बदल कर उसको जंगल में बच्चे को घुसा दिया ताकि उसको पैसे ज़्यादा बच सके। आज एक महीने से भी ज़्यादा हो चुका टाइम और हमें कोई अभी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। एजेंट भी क्या है पंचायत के द्वारा टाइम लेता रहा और हम उस पर अभी तक भी भरोसा कर रहे थे लेकिन उसने आज तक भी हमारे को कोई भी सच्ची बात नहीं बताई। हम सर मांग यही करेंगे, हम मतलब जो हमने FIR करवाई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन और जो भी संबंधित जो है थाने के और जो SP साहब हैं वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं और प्रॉपर हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारी आगे भी मदद करेगा और लड़के को ढूंढने में और उसके कार्रवाई करने में मदद करेगा। और हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे एजेंट होते हैं जो ऐसे लड़कों को बाहर भेजते हैं, पहले भी ऐसे केस बहुत हुए हैं, वो क्या करते हैं दो तीन महीने उनको जेल होती है फिर दोबारा वो अपना वही कारोबार शुरू कर देते हैं और वैसे ही बार बार लड़कों को मतलब माँ बाप को तंग होना पड़ता है। इस संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है, आज प्रिजन में मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने SHO को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुंचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहां जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। अवैध जो एजेंट जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए, वो मोटी रकम भी वसूल लेते हैं और आगे बच्चे की जान भी है वो जोखिम में डाल देते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद बस यही है कि इस बेटे का कुछ पता लग सके, सरकार प्रशासन कुछ कोशिश कर सके। लोग रोजगार के लिए विदेश में जाते हैं और विदेश में नौकरी करते हैं, कई कई घंटों की शिफ्टों के बाद वो चार पैसे कमाते हैं, लेकिन आज जशनप्रीत का फिलहाल कुछ पता नहीं है। परिवार को उम्मीद है जल्द ही कुछ पता लगेगा और हमारी भी अपील है इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि कुछ सरकार और प्रशासन इस पर ठोस कदम उठा सके और परिवार को अपना बेटा अपना लाल मिल सके।